शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये मेरी दुकान है, कोई पागल कुत्तों का अस्पताल नहीं है। ऐसे चिल्ला रहे जैसे सबसे बड़ी बोतल एरिनी का तेल पी लिया। जवानों की तरह लगा चला। क्या चाहिए? बोल। एक किलो शक्कर। मेवालाल जी, ये कौन अकल का अंदाज समझ का बहरा आया? इसको शक्कर चाहिए। अबे हिंदुस्तान देख, शक्कर देख, अब तो वो जमाना आ गया कि लोग मीठी बातें करते, गरम पानी पीते हैं और चाय का मजा लेते हैं। ये तू क्या खा रहा है? केला। तेरे बाप का केला है? मगर मिलावट राम जी, सरकार ने हम लोग के हिस्से की शक्कर आपके पास भेजी है। अच्छा, सरकार ने भेजी है? बुलाओ सरकार को, अभी पूछता हूँ कब भेजी है। जो भेजी थी वो पिछली दिवाली में खत्म हो गई। मिलावट राम जी, हर कोई जानता है शक्कर का कोटा आपके घर में रखा है। हाँ रखा है, मगर वो कोटा मेरे घर का कोटा को हराम का कोटा नहीं है। मेरा बच्चा बगैर शक्कर के दूध नहीं पी रहा है, मेहरबानी करके अपने घर के कोटे से शक्कर दे दीजिए ना। अगर तेरे को मेरे घर के कोटे की शक्कर चाहिए तो तेरे को 10 रुपए का परमिट दिखाना पड़ेगा। मतलब 10 रुपया किलो? ठीक है, मजबूरी है। मजबूरी नहीं है, जरूरी है। कड़वाई के जमाने में तेरे शक्कर देना, वो भी मीठी। मेवालाल, इसको 1 किलो शक्कर बांध के दे, सफेद वाली मीठी वाली। काले भाव में? ये तेरे बाप का माल है क्या? पानी निकाल। अरे भाई, हमारा नंबर कम आएगा, धूप में खड़े खड़े पांव दुखने लगे। अबे साहब, पैर दुखने लगे? कभी ये सोचा हमारे पैर कितने दुखते होंगे? जब मुझ जैसा नौजवान और मेरा ये बुढ़ा नौकर, हम लोग शहर जाते हैं, सारा सामान सब उठा के लाते हैं और तुम जैसे एहसान फरामोशों को देते। भाषण बंद करो ना, मुझे 5 किलो गेहूं का आटा दो और ये रहा आपका परमिट, 20 का नोट। अबे घुन की तरह गेहूं में पिसने वाले गधे, इस 20 रुपए में तेरे को 5 किलो आटा चाहिए? अबे आटे का फोटो नहीं मिलेगा। चलो दूसरा नंबर किसका आ गया? अच्छा अच्छा ठीक है, हेलो 5 रुपया। लेकिन याद रखना, एक ना एक दिन तुम्हारा यह जुल्म जरूर खत्म होगा। नमक खराब हो? तुम लोगों मिसाल भूल गए, जिसका नमक खाते हैं उसकी थाली में छेद नहीं करते। और तुम लोगों ने मेरा नमक नहीं, मेरा आटा, मेरा दाल, मेरा चावल, मेरा जाले जगह खा लिया है और मेरे धंधे में छेद कर रहे हो। मेवालाल, इसकी मुंह में 5 किलो आटा मार। चलो अगला नौजवान कौन है? 1 किलो चने की दाल देना। ये मुंह और चने की दाल, इस देश में बड़े बड़े नेताओं की दाल निकली, तू कहाँ से दाल लेने आई है? चल आजा। सेठ जी, ये लाइन में जाने वाली नहीं है। क्यों? ये मेरी रिश्तेदार है। ये तेरी रिश्तेदार है? अबे तू बिन माँ बाप का गटर में पैदा हुआ था। अच्छा? इतना लावारिस था कि तेरे को यतीम खाने वाले भर्ती नहीं करे थे, फिर तेरी रिश्तेदार कहाँ से आई? नहीं 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 नहीं, ये मेरे दूर के नजदीक के रिश्ते की रिश्तेदार है। कब पता चला? ये रात को अंधेरे में मालूम पड़ा मुझे। सेठ जी दाल दे दीजिए। अच्छा चल, मेरा नौकर बोला इसलिए तेरे को दाल दे रहा हूँ। जा दाल लेकर। दाल लाए। मेरी फूल मती उस नकली वनस्पति की गोद में। अबे अबे आंखें के मौसमी की खाते नहीं देता है, गाड़ी चला रहा है, पतंग उड़ा रहा है। आपने मुझसे कुछ कहा? और नहीं तो क्या, आपने बाप से कुछ कहा? ये क्या चक्कर है, गाड़ी की टंकी में पेट्रोल की जगह मेंढक भरे क्या? वही रहे। मेरी टंकी में क्या भरा है वो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन जो तुम्हारी गोद में धरा है उसे तो पहले हटाओ। क्या धरा है? एक तो लोगों को डराते, ऊपर से जबान चलाते हो, वैसे रहे। और तुम बुढ़ापे के सिने पर जवानी का पोस्टर चिपकाते हो, कहीं तुम्हारी बीवी आ गई ना तो मार मार के फटे हुए पोस्टर की तरह दीवार पे चिपका देगी। ये बेचारी तो घबरा के ऐसी मेरी गोद में गिर गई थी। जब कोई गोद में गिर जाता है तो उसको निकाल भी दिया जाता। तुम्हारी गोद कोई गाँव का तालाब है, इसमें कोई जानवर गिर जाए तो घंटा भर लगता है उसको निकालने में। अरे जाना काले, देखा तुझे करनी का फल मिल गया ना? क्या मिला? तूने मेरे फूल पे हाथ डाला, भगवान ने तेरा मुंह काला कर डाला। मुंह काला? अरे तेरी, अरे तेरे वो कीड़े बड़े गए इतने बड़े बड़े। अरे वो लड़की, भगवान ने 2 टांगे दी हैं, 1 टांग पर क्यों उछल रही हो? क्या भीख मांगने की प्रैक्टिस कर रही हो? अरे हट, दिख नहीं रहा क्या? आखिर शहर छोड़ के आया है? अजी नहीं, शहर से आंखें भी साथ लाया हूँ और आते हुए एक नया खेल भी सीख कर आया हूँ। मेरे साथ खेल कर देखो, सारी जिंदगी खुशी के मारे उछलती रहोगी। कौन सा खेल? मैं बगैर छुए, बगैर हाथ लगाए किसी की भी पप्पी ले सकता हूँ। अरे चल चल फट। माँ कसम, झूठ बोलूं तो तुम्हारा मुंह काला। चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर मैंने बिना छुए पप्पी ले ली तो तुम मुझे सिर्फ 10 रुपया देना, और अगर मैंने छू लिया तो मैं तुम्हें 100 रुपया जुर्माना दूंगा। चलो लगी। अरे सोच क्या रही हो, भिखारी के खानदान से आ रही हो क्या? 10 रुपया नहीं है शर्त लगाने के लिए। अरे बड़ा आया पैसे वाला, चल लग गई। ये हुई ना बात, अब देखो मेरा कमाल। क्या बदतमीजी है? माफ करना, मैंने तुम्हें हाथ लगाकर पप्पी ले ली,
मैं तो 100 रुपया हार गया, आज मेरा दिन ही खराब है। मैं जीत गई, मैं जीत गई। अरे क्या जीत गई? उसने तो सरे बागा तेरा चुम्बन ले लिया। 420 मरे भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कबूतर, ये आंखें बंद किए किसके सपने देख रहा था? अरे फूलमती, अरे तारामती, अरे चंद्रमती, अरे मेरे जीवन के अंधेरे की बत्ती, मैं तेरे ही सपने देख रहा था, तेरे ही। झूठे कहीं के, बरसात का मौसम आया भी और चला भी गया और मेरा सारा बदन आम की तरह जलता रहा। और क्या करूं, मैं मजबूर था अपने कंजूस मालिक के हाथों। आज मेरा कंजूस सेठ दुकान पर नहीं है। जरा अपनी थैली तो दिखा। है तेरी थैली खाली? मेवा लाल की माशुका की थैली खाली? देखो ना। अरे कोई बात नहीं, अभी भर देता हूँ, तू मांगती जा, मैं फ्री फंड में माल डालता ही रहूंगा। दो ना। लपक के ऊपर आ जा और इधर उधर देखती रहे, कोई आ नहीं जा। लपकने लपकने लपकने, ले कंजूस का माल, ले कंजूस का माल, ले जा। अरे ये बीड़ी अपनी माँ को देना। बिस्कुट दो ना, बिस्कुट। अरे बिस्कुट भी ले जा, बिस्कुट भी ले जा, धरले धरले धरले, तू बिस्कुट भी ले जा, माचिस भी ले जा, माचिस भी ले जा, तू कुछ भी ले जा, कुछ भी, कुछ भी ले जा, कुछ भी ले जा, तू कुछ भी ले जा, ये भी ले जा। आए आए मेरी मोहब्बत की फूलमती, ये अचानक तेरे बालों को क्या हो गया? ये खड़े खड़े और छोटे छोटे कैसे हो गए? याद करो, पिछली बार अपनी दुकान से चुरा कर उस कंजूस सेठ की नजरों से बचाकर मैंने तुमको खुशबूदार तेल दिया था, क्या वो तुमने सिर पर नहीं लगाया है? और अचानक तेरे शरीर से बदबू कैसी आ रही? क्या मेरे मालिक से गले मिलकर आ रही है? क्योंकि जब से वो पैदा हुआ वो साला नहाया ही नहीं। कंजूस मालिक के बदन की बदबू आ रही है? मैं जब से पैदा हुआ तब से नहाया नहीं हूँ। हरामखोर, मेरे दुकान का माल अपने बाप का माल समझ के उस धूलमती की थैली में डाला था। आज मैं तुझे चूहे मारने का पाउडर खिला के रहूंगा। अबे ओ बतख के बासी बदबूदार अंडे, जल्दी बंद कर। कर रहा हूँ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे कल रामदास के बच्चे का नामकरण संस्कार है, मुझे काफी मिलावट करनी है, जल्दी बंद कर। करता हूँ, करता हूँ। और ओ पहलवान, मेरा मतलब भाग्यवान, जल्दी आओ। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? आ रही हूँ। क्या चावल की गोनी की तरह मटकती हुई चली आ रही है? इतना अनाज मेरी दुकान में नहीं जितना इसमें भरा हुआ है। और ये क्या है? मूंगफली का तेल। मूंगफली का तेल? हाँ। और तिल का तेल कहाँ है? ये क्या पड़ा है? तो ये मूंगफली का तेल। हाँ। तिल के तेल में डाल। अरे किसमें क्या डाल रहे हो? हरामखोर, मैं समझा पुलिस आ गई। पुलिस? अरे बोल, मैं तो बाल्टी भर के गोंद हलक मुंडेल दूंगा। मगर एक जी मिला क्या रहे हो? अबे तिल के तेल में मूंगफली का तेल मिला रहा हूँ। सत्यानाश, अगर ऐसे ही मिलावट करते रहे मिलावट राम जी, तो एक दिन आपके धंधे का राम नाम सत हो जाए। अबे शुभ बोल खबीज, शुभ बोल। मुंह खुलता है तो ऐसे लगता है जैसे मुरी धोने का पाउडर निकाल रहा है। रोज हम लोग तिल के तेल में मूंगफली का तेल ही मिलाते हैं क्या? और चावल की गोनी, नाम क्या तुम्हारा? बंदर लेखा, वो काली मिट्टी का है। तुम्हारे बाजू में तो खड़ी है। अरे तुम्हें कौन गधा कह रहा है? दिन में 100 बार काली मिट्टी कहकर तुम ही तो मुझे बुलाते हो। वो तो मैं अपनी तकदीर को कोसता हूँ कि मैं दुनिया के खाने में मिलावट करता हूँ, ऊपर वाले ने मेरी तकदीर में ये मिलावट कर दी है। क्या कहा? अरे बाबा, मैं उड़द की दाल में मिलाने के लिए काली मिट्टी मांग रहा हूँ, अब क्या तुमको गोनी में गुजर दूँ? काली मिट्टी कहाँ है? अरे सेठ जी, क्यों अपना दीवाला निकालने पर तुले हुए हो? उड़द की दाल में काली मिट्टी थोड़े मिलाते हैं, अब जमाना बदल गया है, अब काली मिट्टी में उड़द की दाल मिलानी चाहिए, तब जाकर फायदे की बात हुई। ये तूने आखिरी मर्तबा अकलमंदी की बात करी है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल। अबे ओ हरामखोर, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तू खुले मत खा रहा है। अरे बंद करेगा ना, मैं गांव वाले से छुपा कर या छुप कर मिलावट कर रहा हूँ और तू सारे गांव को सुनाने के लिए जोर जोर से गाना बजा रही है। अरे पिताजी अब बस करो, बस करो, ये मिलावट कर करके जो आप पैसा जमा कर रहे हो, मैं लिख कर देती हूँ, ये पैसा आपके किसी काम नहीं आएगा। भगवान न करे आप कभी बीमार पड़ गए तो इस पैसे से जो दवा मंगवाओगे वो दवा भी मिलावट वाली ही होगी। अरे हट, रिश्वत और मिलावट तो संसार की सजावट है। भगवान ने भी इंसान को शुद्ध कहाँ पैदा किया? हवा आग पानी और आत्मा की जब मिलावट की तब जाकर इंसान को पैदा किया। अरे जब ऊपर वाला मिलावट कर सकता है तो मुझको मिलावट से मना करने वाली तू कौन होती है? अच्छा अगर ऐसा है तो दुकान बंद करके मिलावट करने की क्या जरूरत है? खोलो दुकान, दिखाओ सबको कि तुम कोई चोरी नहीं कर रहे, भगवान के रास्ते पर। देखो बंदर रेखा, इस लड़की ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, कोई अच्छा सा लड़का देख के इसके हाथ मिले करके इस घर से रवाना करो, तब मेरे सीने के कलेजे में ये तो मेरे नाल की सांस की उबाल आएगी।
आजा 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 यहाँ बैठ यहाँ बैठ यहाँ बैठ। देख बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम कि शादी के बाद जीवन कैसे बिताया जाता है, बाद में पछताते हैं। मुझको ये लफड़ाने चाहिए तो अपन पहले इसकी रिहर्सल कर लेते हैं। तो बता शादी के बाद सबसे पहले तू क्या करेगी? घर चलाऊंगी। घर नहीं तो क्या अनाथ आश्रम चलाएगी? ये तो मुझको मालूम है। घर कैसे चलाएगी? उधार लेके चलाऊंगी। सारा देश इस वक्त यही कर रहा है, तू कर लेगी तो कौन सी नई बात करेगी? नहीं नहीं सुबह उठकर तू क्या करेगी? ले पकड़ पकड़ अंगड़ाई लूंगी। अंगड़ाई लेगी, जमहाई लेगी, सब कुछ करेगी, उससे मुझे क्या लेना देना? काम की बात बोल। सुबह उठ के मैं भगवान को प्रणाम करूंगी। मतलब मुझको छोड़ देगी? क्यों? अरे बेवकूफी के फूल की पत्ती, पति शादी के बाद परमेश्वर होता है, सबसे पहले तुम मुझको प्रणाम करना। हाँ, समझ गई। उसके बाद क्या करेगी? उसके बाद जब तक तुम नहीं आओगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। खाना नहीं खाऊंगी मगर मेरे आने के बाद मुझे तो खाना खिलाएगी ना? हाँ हाँ जरूर। चल यहाँ तक तो सब ठीक है, अब असली बात बता। रात को क्या करेगी? रात को मैं तुम्हारे हाथ से पेट भर के खाना खाऊंगी। फकीरों के खानदान की लड़की से पाला पड़ा, हर बात में खाना घुसेड़ देती है। अरे खाना खाने के बाद क्या करेगी? सो जाऊंगी। ये भी कोई जिंदगी है? सो जाऊंगी। तो फिर तू ही बता क्या करना है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। समझाता हूँ, अपन एक नाटक करते हैं। मान ले कि तू एक मर्द है और मैं तेरी औरत। तू कौन है? मैं मर्द हूँ। और मैं कौन हूँ? मेरी औरत। शाम को थका मांदा पति घर पे आता है और अपनी औरत को आवाज देता है, तो वो उसको कैसे बुलाएगा? अरे ओ हराम जादी चुड़ैल, उधर क्या फुसला मार के बैठी है, इधर आ। देखती नहीं मैं थका मांदा आया हूँ? हाय राम, कितने थके मांदे लग रहे हैं, शरीर से भी चर चर की आवाजें आ रही हैं। ऐसा कौन सा काम करके आए हो जी? ऐसा क्यों पूछ रही है, खाना पकाया या नहीं? कल की बासी खिचड़ी है, परसों की दाल पड़ी है, ज्यादा खराब नहीं हुई, पड़ोस का कुत्ता उसने मुंह मार के गया है, कहो तो गरम करके ला दूं? शर्म, छोरी, इधर आ। तू मेरी बीवी है या मैं तेरी बीवी हूँ? हराम दादी, कोई काम नहीं करती। मियां बेचारा थका मांदा घर आया है, न खाना पकाया, न खाना खिलाया, न बिस्तर बिछाया। चलो उठ उठ, पत्ती बंद कर और इधर आके जरा मेरे पैर दबा। चल। अरे अरे ये अरे अरे क्या हो रहा है? अरे मेरे को क्यों मारा ये? गधे को। इतने साल हो गए मेरे सेठ की शादी को, एक बार भी उसकी बीवी ने उसके पांव इस तरह नहीं दबाए। नालायक को प्यार करना ही नहीं आता ना, सिर्फ मिलावट करना जानता है। मक्खी चूस, कंजूस, उल्लू का पट्टा, जला हुआ करेला, गला हुआ केला, खड़ी चोटी वाला सड़ा हुआ पिलपिला खरबूजा। तीर्थ यात्रा पे गया है दुराचारी, पापी, सड़ा हुआ कद्दू, साला। सड़ा हुआ कद्दू, मुझे बीवी के पैर दबाने नहीं आते, मुझे मिलावट करना था। अरे उसे भागने क्यों दिया? हरामी को पटक पटक के मारना चाहिए था, भागने क्यों दिया? पटक पटक के मारना था, वो 50 किलो का आदमी है, को खाली थैली नहीं है जो पटक पटक के मारता। और तुमने मुझे दम छोड़ा कहा जो पटक के मारता? खाली रुमाल उठाता हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है। अच्छा है सुना, बहुत थक गया हूँ, जरा पैर दबाओ ना। क्या मैं दबाऊ? शर्म नहीं आती? देखा नहीं मेवालाल अपनी माशुका के कैसे पैर दबा रहा था। चलो हटो। हाँ चलो शुरू। सुनो गांव वालों, सुनो शुभ समाचार का लगा कर सुनो, कल शनिवार सुबह 9 बजे दुर्गा माँ के मंदिर के सामने वाली कोठी में नए सामान, सस्ते सामान, सस्ता अनाज, शौकारी भंडार खुल रहा है। हर खास आम को आने की दावत है। हाँ हाँ जरूर जरूर, इस नेक काम में कौन नहीं आएगा। क्या कहा भे हराम के ढक्कन? कल से काला बाजारी करने वालों का दीवाला और मिलावट करने वालों का मुंह काला। अबे मुंह काला होगा तेरी अम्मा की खत्म का। जाना जाना जाना। एक तो सहकारी दुकान खोलकर इन बेचारे को भिखारी बनाने का चक्कर चला रहा, ऊपर से ढोल बजाकर इनको जलाकर इनके कलेजे का कबाब बना रहा। अरे कबाब
मैं तो गांव की भलाई के लिए चिल्लाऊंगा ही। अरे गांव की भलाई तो होगी मगर इनके धंधे की धुलाई हो जाएगी। हैं? तू यहाँ चिल्लाकर इनकी धोती क्यों गीली कर रहा है? अरे मैं इन्हीं के लिए तो ढोल बजा रहा हूँ। चुप ढोलकी के, तू मेरे लिए क्या ढोल बजाएगा बे? क्यों नहीं बजाऊंगा? अरे जिस दिन तुम लुढ़क जाओगे तो तुम्हारी आरती को कंधा देने के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन मैं ढोल बजाने जरूर आऊंगा। अबे दो पैसे के ढोलक पीटू, तूने मेरे मालिक को इतना गिरा हुआ समझ रखा है, इतना कमीना समझा है, इतना जलील समझा है, खुजली वाला मरा हुआ कुत्ता समझ रखा है। कितनी गालियां दे रहा है? मैं आपको गालियां नहीं दे रहा हूँ मालिक, मैं तो आपकी वकालत कर रहा हूँ। अरे थोड़े दिन ठहर जा, एक बार मेरे सेठ को मरने दे, फिर देख मजा। ये ढोल क्या, शहर से बैंड मंगवाऊंगा, अरे सारे गांव को नचवाऊंगा, ऐसा शानदार जुलूस निकलवाऊंगा कि सारा हिंदुस्तान देखता रह जाएगा कि ये मरा कोई सेठ, सेठ जी कैसी रही। बासी खिचड़ी के सड़े हुए कीड़े, एक तो मेरे मरने की दुआएं मांग रहा, ऊपर से मुझसे ही ताली मांग रहा है। गिरगुट की औलाद, बिना पेंदे के लोटे, चल अंदर, अभी लेता हूँ तेरी खबर। और तू क्या रे, तू मेरे लिए ढोल बजाएगा? ढोल बजाएगा साले, ढोल बजाएगा। अबे सो गया कह रहे? अरे जब अपना धंधा ही सो गया तो मैं जाके क्या करूं? लुका पट्टा, एक तो टांग पर टांग डाला, ऊपर से हिला भी रहा है। ये मेरी टांग है, मैं इसको हिलाऊं या नचाऊं तुमसे मतलब है? और नहीं हिलाऊंगा तो लोग मुझे मरा हुआ समझ के शमशान घाट में पटक आएंगे। आपको नहीं मालूम ये गांव वाले किस बुरी तरह से हमारे मरने का इंतजार कर रहे हैं? वह लाइन लगी, दुश्मनों की नगरी कितनी आबाद है, मेरी दुकान कब्रिस्तान की तरह बर्बाद है। अबे देख वो दुकान देख, कितनी भीड़ है, अपनी दुकान में तो महीने भर में भी इतने लोग जमा नहीं हुए जितने वहाँ पर जमा हुए। ओह क्या मेला लगा है, लगता है दूसरे गांव के लोग भी वहाँ पर आ गए। क्यों ना हो भाई, जब असली चीज हो, सस्ती हो तो भीड़ तो लगेगी ही, और पछतावे क्या होता है जब मिलावट की चिड़िया चुग गई खेत। नमक हराम, मैं तेरा मालिक हूँ, मालिक की बर्बादी पे गाना गाया जाता है। आहे का मालिक, ठंडा तो चल नहीं रहा, हालत ऐसी खराब है कि मारने के लिए मक्खियां तक नहीं है, और मालिक पने की धौस से मारे हो। अरे तुम्हारे ग्राहक मेरी हिलती हुई टांग देखकर भाग गए कि तुम्हारी मिलावट देखकर? हाँ बेटा बोल ले, जब आदमी का वक्त बुरा होता तो मरे हुए कुत्ते से डर लगता है, तू तो फिर भी जिंदा कुत्ता है। अभी देख वो आदमी, देख वो आदमी कितनी जल्दी अपनी दुकान की तरफ आ रहा है। आज कोई फंसा, बहुत दिनों बाद कोई ग्राहक फंसा। उठो उठो उठो, आइए स्वागतम, खुशामदीद, भले पधारो, आ जाओ मेरे बाप, आओ दुकान पर मत जाइए। अरे भाई साहब कुछ भी खरीद लीजिए, हम दोनों ने दो दिन से कुछ भी नहीं खाया, ये देखो पेट खाली है। माचिस 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 बीड़ी जलाना है, हमारी दुकान में सब कुछ सस्ता मिलता है। इमली 2 रुपया, मूंग की दाल 3 रुपया, तुअर की दाल 1.5 रुपया, गेहूँ सस्ता, गुड़ और मुफ्त में, ये भी रख लो। पैसे बाद में, कोई जरूरी नहीं, जल्दी नहीं जल्दी नहीं, पैसे बाद में, कुछ भी कुछ भी ले लो, उधार भी मिलेगा। अरे छोले, अबे कुछ तो ले जा, ये आया मांगा जलाया फूका और चल दिया हरामखोर। अगर यही हाल रहा तो इस दुकान को बंद करके दूसरे किसी गांव में हमको भीख मांगने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि इस गांव में तो हमको भीख भी नहीं मिलेगी। और सुनिए सेठ जी, ये जो जेवर आपने पहन रखा है ना, इसको गिरवी रखने की नौबत आने वाली है। अच्छा ये बताइए, ये सोना तो असली है कि इसमें भी मिलावट है? अबे तू चुप कर, नहीं तो मार मार के तेरा मुंह चटा की तरह चपटा कर दूंगा। देखो सेठ, मुंह संभाल कर बात करो, पगार तो देते नहीं हो, धोस देते हो। अरे आज तुम सेठ हो मगर तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम थोड़े दिनों में कर्जदार बनने वाले हो, उसके बाद नौकर बन जाओगे। मेरा क्या है, मैं तो नौकर था, नौकर हूँ और नौकर ही रहूंगा। मेरे लिए 50 दरवाजे खुले हैं, तुम्हारे लिए तो खुद का दरवाजा बंद हो गया है। तू नहीं और सही, और नहीं और सही, मुझे तुम्हारी नौकरी की जरूरत नहीं। और सहकारी दुकान वाले, तुमको एक पुड़िया बांधने वाले की जरूरत है ना, मैं आया। अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, देखो चाक लिया, चाक लिया। अरे बैठो मालिक बैठो, नाराज हो गए क्या? अरे अरे ठहरो ठहरो, ये मेरा खेत की हाथ क्यों तोड़ रहे हो तुम लोग? क्या तेरा खेत मेरा खेत, ये सब झगड़ा तो खत्म, अब ये सब खेत मिलकर एक होने वाले हैं। तुम्हारे बाप की हिटलर चाहिए, सब मिलकर एक होने वाला है। मिलावट राम जी, सहकारी खेती के लिए हमारे चौधरी साहब ने तमाम खेतों को मिलाकर एक कर देने का ऐलान किया है, इसलिए हम सब ने फैसला कर लिया है कि ये खेत हम उनको दे देंगे। अरे तुम खेत की अपने बीवी बच्चे भी उनको दे दो ना, मुझे क्या लेना देना है, मगर मेरे खेत की आधा क्यों तोड़ रहे हो? फावड़ा किधर गया, फावड़ा किधर गया, फावड़ा क्या कर रहा था? मैं ये तोड़ रहा है, मिला रहा था, मिला रहा था। इसमें सारे गांव की भलाई है। बेवकूफ हो तुम, गधे हो, इसमें गांव की नहीं तुम्हारी चौधरी की भलाई है। पहले वो खेत मिला देगा, बाद में हड़प करके तुम सबको हिला देगा। अबे वो मिलावट राम, मुंह संभाल के बात कर, विजय बाबू इंसान नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, देवता है देवता। अरे काय का देवता है, बेईमान है, 420 है, फांदेबाज है। अबे
चौधरी साहब के खिलाफ बोल रहा है, काट डालो इसको, काट डालो साले को, टुकड़े टुकड़े कर दो, मारो, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, बचा रहे, बचा, बचा, काटो, मत, काटो, साले को, काटो मत, काटो, काटो मत, दोनों तरफ की बात करता है, अरे यही तो देश की हालत है, आज तो तेरे को छोड़ दिया, अगर आज के बाद कभी कुछ बोला है तो काट के फेंक दूंगा, चलो चलो। अरे क्यों छोड़ दिया यार? क्यों छोड़ दिया उनको? उनको क्यों छोड़ दिया? मैंने तेरे को बचाने बोला, तू बोलता काटो। सेठ जी आपकी नियत की तरह आपके कान भी खराब है, आप तो खाम का भाग कर आ गए, मैं तो उसे कह रहा था मत काटो, मत काटो। मगर आपने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, काटा ही नहीं। मैं खैर जाने दे, नाम मेरा मिलावट है और विजय ने अपनी चालाकी से गांव के सारे खेतों को मिला डाला। अब देख मैं अपने दिमाग की मिलावट से ऐसा गिरावट वाला आइडिया निकालूंगा कि उसके घर की बनावट बिगड़ जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। तू समझेगा भी नहीं। आजा आया।